लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम आज करेंगे संवाद, मेयर अध्यक्ष और सभासदों से करेंगे संवाद, शाम 4 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग जिसके जरिए संवाद करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर ये संवाद होने वाला है, तमाम मेयर अध्यक्ष और सभासदों से संवाद करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी जिसके माध्यम से वो कोरोना संक्रमण को लेकर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तमाम अधिकारियों से संवाद करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है कोरोना को लेकर, किस तरह से चर्चा होने वाली है? बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार कोरोना को लेकर जिस तरह बैठकें चल रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ चारों तरफ इन बातों को विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आने वाली जो तीसरी लहर है उसके लेकर तैयारियां तेज की जाएं। उसके लिए 600 बेड के जितने हॉस्पिटल हैं उनको बनाने के लिए तैयारियां तेज की गई हैं। लगातार मंत्रियों अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं ताकि जो है इस तीसरी लहर को लेकर कोई ऐसी बड़ी आपदा ना आए जिसके लिए विपक्ष से भी कोई खिंचातानी हो। जी, इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगातार तीसरी लहर को लेकर, क्या बच्चों के लिए एनआईसीयू की ज्यादा सुविधा के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं या क्या कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल आपको बता दें कि आने वाली तीसरी लहर के लिए योगी सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वो बच्चों के लिए बेडों के इंतजाम से लेकर सारी चीजों के नवम्बर तक इसको पीक पे बोला जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई आपदा ना आए जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि काफी बुरी स्थिति रही उत्तर प्रदेश की, तो इसमें कोई चूक नहीं करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कारण जो है लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से तीसरी लहर को काबू किया जा सके। तो मेयर सभासदों से वो वर्चुअली मीटिंग करने वाले हैं, क्या कुछ बोलने वाले हैं, उनसे किस तरह से वार्ता करने वाले हैं और इसी के साथ साथ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अभी जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी? बिल्कुल, आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में काफी बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अब ऐसी कोई खामी नजर ना आए, इसके लिए अधिकारियों के काफी सख्ती से पालन करने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। उसी को लेकर लगातार वर्चुअल मीटिंग की जा रही है। तीसरी लहर को विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये नवंबर तक आना है और जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई उसको बचाने के लिए इससे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मेयर अध्यक्ष और सभासदों से आज शाम 4 बजे संवाद करने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, स्थिति को लेकर इस पर चर्चा होगी। हालांकि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि बेड बढ़ाने और एनआईसीयू, क्योंकि बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक होने वाली है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। वहीं उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा की गई रद्द, इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द की गई, सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। तो बता दें यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं इसी खबर पर एक बार फिर अभिषेक मनी त्रिपाठी हमें अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी में सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, किस फॉर्मूले पर रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर किस तरह से सरकार आगे प्लान बनाकर रिजल्ट जारी करेगी? जी कृति, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द किया गया था और अपग्रेड सिस्टम, जो भी वार्षिक इनके एग्जाम हुए थे स्कूल कॉलेज से, उस आधार पर मेरिट बनाकर बच्चों को पास करने का निर्णय लिया गया था। कोविड को देखते हुए पहले ही क्या कहते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि सरकारों ने पहले ही इंटर की परीक्षा रद्द कर दी थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई और उत्तर प्रदेश में भी इंटर की परीक्षाओं को रद्द किया गया। तरह से इस फैसले को लेकर जो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो किस तरह के देखने को मिल रहे हैं? रिएक्शंस ये है कि आप आम पब्लिक इस समय खुद परेशान है कोरोना को लेकर, चारों तरफ जो बीमारी को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और बच्चों को भी खास ध्यान देना है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे कड़ा एक्शन ले रहे हैं। इसको देखते हुए बच्चों को भारी तादाद में लाखों 12 लाख से ज्यादा बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं, तो बच्चों को देखते हुए और तीसरी लहर को देखते हुए एग्जाम को रद्द करने का निर्णय लिया है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड परीक्षा है उस किस तरह से कराई जाए। हालांकि लास्ट अंतिम निर्णय यही लिया गया है कि 12वीं परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं बच्चों के अंदर भी इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब उनकी परीक्षाएं किस तरह से कराई जाएंगी और उस पर रिजल्ट किस तरह से घोषित किया जाएगा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गुरुवार को पूरी टीम बनाई जाएगी जिसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इस पर निष्कर्ष निकाला जाए और बच्चों के रिजल्ट किस माध्यम से निकाले जाए। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद हुए को एससी का मिला बड़ी राहत। कोर्ट ने निरस्त किया राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। राष्ट्रद्रोह सहित कई धाराओं में दर्ज था मुकदमा। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को एससी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निरस्त उनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा था उसे निरस्त कर दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने निरस्त किया राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। राष्ट्रद्रोह सहित कई धाराओं में दर्ज था मुकदमा। तो विनोद मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड सिंह जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज था, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ राहत दी गई है? जी देखिए, विनोद दुआ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनपे जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनपे आरोप लगाया गया था कि यूट्यूब चैनल के अपने माध्यम से वो लगातार प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले को लेके और इस मामले से राहत विनोद दुआ को राहत मिले इसलिए विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ को राहत दी है। उनकी FIR जो है जो दर्ज थी उसको निरस्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में विनोद दुआ ने एक और अर्जी दी थी कि इस तरीके राजद्रोह के जो मुकदमे पत्रकारों पे जो लग रहे हैं इनसे जो है पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये जो मुकदमे जो है जिस तरीके से राजद्रोह के मुकदमे पत्रकारों को थोपे जाते हैं ये मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात इसमें कही गई थी। हालांकि दूसरी याचिका जो ये विनोद दुआ की थी इसको रद्द कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली याचिका थी उसमें ये कहा है कि इस तरीके के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पत्रकारों पे इससे पत्रकारों को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जी, स्वतंत्रता की बात की जा रही है, प्रेस के अधिकार को लेकर राष्ट्रद्रोह कानून की व्यवस्था को गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, इसको लेकर भी कुछ अपडेट सामने आ रही है कि जिस तरह से लगातार राष्ट्रद्रोह के ये केस सामने आ रहे हैं पत्रकारों पे लग जाते हैं तो उसको लेकर क्या सरकार को भी फटकार लगाई गई है? फटकार तो नहीं लगाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया उस कमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो पत्रकार होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो कि एक फंडामेंटल राइट है जिसके तहत वो जो है सूचनाएं प्राप्त करते हैं और जनता के सामने लाते हैं, जो जनता के हित की और देश के हित की जो बातें होती हैं वो करते हैं और इसमें कई बार आलोचना भी होती है जो हमारे राजनेता हैं उनकी। तो इन सब चीजों को से जो है पत्रकारों को राहत मिलनी चाहिए और ये जो राजद्रोह के मुकदमे लगातार पत्रकारों पे हो रहे हैं इससे पत्रकार जो है पत्रकारों पे राजद्रोह के मुकदमे इस तरीके से नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ढांचा है वो मतलब बिखर सा जाएगा। इस वजह से पत्रकारों को जो है इन सब मुकदमों से छूट देनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिस तरह से पत्रकारों पर राजद्रोह के केस दर्ज होते हैं वो नहीं होने चाहिए क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास और वो बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोलने पर उन पर राजद्रोह का केस लगाना गलत है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। राष्ट्रद्रोह से संबंधित कानून की व्यवस्था का ये समय अदालत में चल रहा था जिसको लेकर अब जो वरिष्ठ पत्रकार है उस पर राष्ट्रद्रोह का केस हट गया है। तो बड़ी राहत जो है वो मिली है, हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की, विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।